हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश का लेके आ गए हैं वीडियो, जो कि मैजिकल ट्रिक से हम लोग इंग्लिश को याद करते चलेंगे, जिससे आपका साइनोनिम, एंटोनिम्स एंड वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। जो भी क्वेश्चन आए उसको आप ऑप्शन देखते ही आंसर उड़ा सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए, हम लोग कल 23 क्वेश्चन तक देखे थे ट्रिक, मैजिकल ट्रिक। आज हम लोग 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, 23 क्वेश्चन हो चुका था एबॉर्टिव, यानी अबॉर्टिव भी असफल, यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग 24 से शुरू करते हैं। यह ट्रिक आपको किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, तो कृपया आप लोग अच्छे से ट्रिक को समझते चलेंगे। किस तरह से हम लोग हिंदी के थ्रू स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और जो CBSE से उनको तो और फ़ायदा मिलेगा। 24 नंबर में देखिए, कह रहा एंथेमा। एंथेमा को याद करना, अनाथ की माँ, जैसे यहाँ पर देख सकते ANATH, अनाथ माँ, अनाथ की माँ। तो अनाथ की माँ क्या है? एक अभिशाप। क्या अभिशाप? इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? मेलडिक्ट। क्या होगा? मेलडिक्ट। और एंटोनिम्स बून। या एक एंथेमा मतलब क्या होता है? अभिशाप। ए डेज, 25 देख सकते हैं, ए डेज यानी आधी एज। जैसे देखे होंगे आधी एज के मनुष्य, 50-60 से, या आपके दादा दादी, वो ज़्यादा क्या कहते हैं? कहावतें कहते रहते हैं, या आपको देखकर कहावतें। तो ए डेज मतलब क्या हो गया? कहावत। क्या हो गया बच्चों? ए डेज मतलब कहावत। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका? मैक्सोम। क्या? मैक्सोम। एंटोनिम क्या? एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 26, एडहेरेंट। क्या एडहेरेंट? याद है, यानी इसको लिंक कैसे करना? आधे रेंट। क्या कैसे लिंक करना? आधे रेंट। तो यानी क्या? समर्थक है या अनुनायी। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका? सपोर्टर। एंटोनिम्स अपोनेंट। एडहेरेंट मतलब अनुनायी या समर्थक, आप ही का समर्थक या सपोर्टर है। जैसे IPL मैच होता है, चेन्नई के बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, मुंबई के सपोर्टर होते हैं, गुजरात के सपोर्टर, वही एंटोनिम इसका क्या? अपोनेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल को एक्सीडेंट्स याद कर लेता है, जैसे कि आपका किसी प्रकार का एक्सीडेंट किसी का होता है, तो कैसे हो जाता है? अचानक। क्या बच्चों? अचानक। एक्सीडेंटल मतलब क्या? अचानक। साइनोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्टुइटस। एंटोनिम्स प्लान। नेक्स्ट वर्ड है एवॉन्ड। कमेंट में बताएंगे, जो कल आपको परचूर का एक और बताए थे, क्या बताए थे? एम्पल। एम्पल को कैसे याद कराना था? टेम्पल से। एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। एवॉन्ड का मतलब क्या? एक एक बूंद। एवॉन्ड को कैसे याद करना? एक एक बूंद यानी क्या? प्रचुर। एक एक बूंद प्रचुर, इस तरह से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। साइनोनिम क्या हो जाएगा एवॉन्ड का? प्लेंटी फूल। एंटोनिम स्कार्सिटी। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया, एग्रेवेट। एग्रेवेट यानी अगरबत्ती। एग्रीवेट को कैसे याद करना? अगरबत्ती। यानी एग्रीवेट मतलब उकसाना या स्थिति बिगाड़ना। साइनोनिम क्या हो जाएगा? बोरसेन। एंटोनिम्स क्या होगा? मिटिगेट। क्या हो जाएगा बच्चों? मिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड है एभोर। एभोर, एभोर को कैसे याद करना? भोर, सुबह। जैसे आपको कोई सुबह उठा देता है तो उसे क्या करिएगा? घृणा करिएगा। क्या? एभोर मतलब घृणा करना। साइनोनिम क्या होगा? दे टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर दे टेस्ट वर्ड आ गया था, इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। दे टेस्ट, क्या? दे टेस्ट, आपको कोई टेस्ट देने बोलता है, दे टेस्ट, तो उससे भी आप टेस्ट देने से भी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से पूरे वर्ड को याद कर लेंगे। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? लव। घृणा का अपोजिट क्या होता है? प्यार। नेक्स्ट वर्ड आपका है एम्प्लीफाई। क्या है बच्चों? एम्प्लीफाई। तो एम्प्लीफाई को याद करना है एम्प्लीफायर से। तो एम्प्लीफायर आपका क्या करता है? बढ़ा देता है, किसी भी मात्रा को बढ़ा देता है। एम्प्लीफाई मतलब क्या? बढ़ाना। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? मैग्नीफाई। साइनोनिम क्या? मैग्नीफाई। एंटोनिम लेसन। नेक्स्ट वर्ड आपका है एब्सोल्व। एब्सोल्व का भी याद करना है अब्सोल्व से। कैसे याद करना बच्चों? अब्सोल्व
यानी अब आपका सोल्व हो चुका है। तो इसका एब्सोल्व का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त करना, इस प्रकार से लिंक करते हुए हम लोग वर्ड को देखते चलेंगे। साइनोनिम, साइनोनिम मतलब फॉरगिव। आप लोग इस वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा, उसके बाद आपको माइंड में ज़रूर बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे और याद करने का तरीका भी मिल जाएगा। साइनोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगिव। एंटोनिम इसका कॉन्विक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अबसर्ड, अबसर्ड को याद करना, अब सर दर्द, जैसे अब आपका सर दर्द होने लगा तो क्या कोई बेतुका बात कहा है, तो अबसर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बेतुका। साइनोनिम इसका क्या, इलॉजिकल। एंटोनिम्स लॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट, एक्यूट को याद करना है, एक कुत्ते से यानी क्या, एक्यूट मतलब तीक्ष्ण। साइनोनिम क्या हो जाएगा, शार्प। एंटोनिम्स स्लो। नेक्स्ट वर्ड आपका है 35, एसेंट्यूट। एसेंट्यूट को याद करना, एसे एट यानी क्या, जोर डालना। साइनोनिम इसका क्या होगा, इम्फेसाइज, इम्फेसाइज। एंटोनिम्स डाइवर्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है बच्चों, एरेजन। एरेजन को कैसे याद करना, अरे गन, यानी किसी के पास गन निकला, जैसे संजय दत्त के पास देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में गन निकला, तो क्या होगा, दोषी ठहरना। अरे गन मतलब क्या, दोषी ठहरना। साइनोनिम इसका क्या होगा, इम्पीच। एंटोनिम्स एक्सोनियंट। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। एबीएस, एबीएस को क्या निकालना, ए भैंसे, तीन ए बैस मतलब क्या, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। साइनोनिम क्या होगा, डी बेस। एंटोनिम रिस्पेक्ट। एक वर्ड आपका है ए बाइस, यानी अब एस यानी ऐश्वर्या राय, अब आइस मतलब क्या, ऐश्वर्या राय यानी शर्मिंदा करना। साइनोनिम क्या हो जाएगा, इम्ब्राइस। एंटोनिम्स एक्सॉल्ट। अबडक्ट, अबडक्ट को याद करना, अबडकाइट यानी क्या, अबडकाइट मतलब, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। साइनोनिम क्या हो जाएगा इसका, किडनैप। एंटोनिम्स रिलीज। 40, ऑडेसिटी यानी इसको याद करना, ऑडेसिटी से, ऑडेसिटी मतलब क्या, दुस्साहस। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। एंटोनिम्स माइल्डनेस। नेक्स्ट बात आपका है एडजर्न, एडजर्न मतलब क्या होता है, कोर्ट इज एडजर्न टुडे यानी क्या, टालना, किसी चीज़ को टाल देना, आगे पोस्टपोन कर देना। साइनोनिम क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। एंटोनिम हेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अली, अली को याद रखना है दोस्त, अली से क्या, दोस्त, अली का नाम का एक दोस्त है आपका। साइनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंड। एंटोनिम्स एनिमी। नेक्स्ट वर्ड आपका है अल्ले, अल्ले को याद रखना, जैसे बच्चे को आप अल्ले अल्ले करके चुप कराते हैं, तो यानी क्या आ जाएगा, शांत करना। अल्ले मतलब क्या, शांत करना। साइनोनिम ट्रैंक्यूल। एंटोनिम्स इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड आपका है एश्योरेज, यानी ऐसे करो यूज, कैसे, किसी को आप सलाह देते, कई डॉक्टर देता है, यानी क्या, शांत करना। एश्योरेज मतलब क्या, शांत करना। साइनोनिम मिटिगेट। एंटोनिम्स एग्रीवेट। नेक्स्ट वर्ड है एवर्सन, एवर्सन यानी एप्पल वर्सन, ठीक है, नापसंद करना। एवर्सन मतलब नापसंद करना, एप्पल का जो नया वर्सन है यानी नापसंद करना। साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिसलाइक। एंटोनिम्स लाइक। आर्टिकुलेट यानी आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या, अस्पष्ट। साइनोनिम लूसिड। एंटोनिम्स अनक्लियर। आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब चालक, लिंक करेंगे आर्टिफस यानी क्या, चालक। साइनोनिम बिट्रे। एंटोनिम होनेस्टरी। नेक्स्ट वर्ड एबेट यानी अपना वेट कम करो, एबेट अपना वेट, एबेट अपना वेट यानी क्या, कम करना। साइनोनिम लेसन। एंटोनिम्स इंक्रीज। एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब क्या होता, अनुकूल बनाना, एडाप्ट अनुकूल बनाना। साइनोनिम एडजस्ट। एंटोनिम रिवोक। नेक्स्ट वर्ड आपका एडेप्ट, डेप्ट मतलब क्या, गहराई, तो एडेप्ट का मतलब दक्ष, निपुण। साइनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। एंटोनिम इनेप्ट। चलिए हम लोग 50 वर्ड देख लिए टोटल, कल पार्ट एक था, आज पार्ट दो, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तक अगर आपको ट्रिकी वीडियो और चाहिए, और सारी वर्ड का, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड का जो आपका एग्जाम में आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई ट्रिक चाहिए तो आप, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।